तो भाई दो एग्जांपल्स हो गई थी आपकी, है ना, लास्ट लेक्चर में। तीसरी एग्जांपल की स्टेटमेंट है, इवेल्युएट दिस डबल इंटेग्रल वेयर ए इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ओके, स्टेटमेंट नोट कर ले भाई जल्दी सभी। ओके, तो जो हमें रजे कहा गया है रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो इन इन तीनों के साथ क्या है, इनक्लोज है, ठीक है। तो सबसे पहले रजे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इट इज अ सर्कल, है ना, सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1। एंड ये जो है एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। वाई इज इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो इन सर्कल एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, इन तीनों के इन बिटवीन कौन सा एरिया आ रहा है भाई, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों के बीच, ठीक है। ये भी कंडीशन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है, ठीक। तो ये शेडेड रीजन क्या है हमारा, रीजन ए, शेडेड रीजन क्या है हमारा, रीजन ए। ओके, तो ये नोट कर ले जल्दी से सभी, डायग्राम बना ले सभी। जी नोट कर लिया। ओके, तो इसमें क्या है राजे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। भाई स्टैंडर्ड सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक, तो जो आपको रजे रीजन कहा गया है, जिस रीजन के ओवर आपने इंटीग्रेशन करनी है, इस रीजन के लिए भाई थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा भाई, 0 से पाई बाय 2 होगा, यस और नो, ठीक है। थीटा राजे 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके। एंड सर्कल की राजे इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर अंदर वाला रीजन लेना है तो आपको ये लेना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू 1। अंदर वाले एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेगा ये चीज, पर हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू फिल करूं, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, y की वैल्यू फिल करूं r sin थीटा,
तो यहां से आर की लिमिट क्या आ रही है भाई आपके पास, 0 से 1। ठीक, आर आर हमेशा ही आपने राजे ग्रेटर देन 0 लेना है। आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों की लिमिट्स पता चल गई, ठीक, थीटा की भी पता चल गई और आर की भी पता चल गई, है ना। तो ये नोट कर ले पहले सभी। ओके, तो अब क्या होगा भाई, अब तो भाई फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। हमें कहा गया था भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा डीएक्स डीवाई रह गया, है ना। डीएक्स डीवाई को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो हमने एक्स पुट किया वाई पुट किया, उसका असर, ठीक है, ये डीएक्स डीवाई पर क्या होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है भाई। डीएक्स डीवाई को आपने अगर इस वाले केस में, जब भी आप आर थीटा में जाओगे, ठीक, जब भी आप किस में जाओगे भाई, आर थीटा में जाओगे, एक्स वाई सिस्टम से आर थीटा सिस्टम में जाओगे, तो भाई डीएक्स डी वाई को आप पुट करना आर डी थीटा। ये याद रखना आपने, जब भी आप एक्स वाई सिस्टम से आर थीटा सिस्टम में जाओगे, डीएक्स डी वाई को आपने आर डी थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो हेयर डीएक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक, तो क्वेश्चन राजे था, है ना, स्टेप नंबर टू, इसकी इंटीग्रेशन पता करनी थी भाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की, है ना। तो भाई एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा, वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, डीएक्स डी वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। ठीक, तो आर की लिमिट्स क्या आ रही है भाई, 0 से 1, थीटा की लिमिट्स क्या आ रही है, 0 से π/2। ठीक, आर की कितनी पावर मिल रही है भाई आपको, आर की कितनी पावर देखने को मिल रही है, 5। थीटा की कितनी पावर देखने को मिल रही है, सॉरी थीटा तो, थीटा की पावर तो नहीं मिल रही, कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, चेक करो ये सही लिखा है मैंने, ठीक ओके। तो है ना, इसके सॉल्व करेंगे भाई, आर की पावर 5 की इंटीग्रेशन आर एस टू पावर 6/6। ठीक, और नेक्स्ट वाली इंटीग्रेशन पर राजे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिडक्शन, वेरी गुड, रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। तो और लिमिट्स भी 0 से π/2 है ना राजे, इसीलिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाना था। ठीक है, तो यहाँ पे राजे 2 है, यहाँ पे 2, तो डिनोमिनेटर में कहाँ से शुरू होंगे, 4 से, 2 + 2 4, और दो दो करके डिमिनिश करना है, तो 4 के बाद 2। ठीक, अब 2 से आगे तो जा नहीं सकते, दोनों इवन है, दोनों ही क्या है, इवन पावर्स, बोथ इवन पावर्स, बोथ इवन पावर्स हो तो क्या लगाते हैं, π/2। ओके, एंड न्यूमिनेटर में राजे 2 है ना, कोस की पावर 2, तो 1 से शुरू होंगे, अब 1 से आगे तो दो दो करके डिमिनिश कर नहीं सकते, फिर साइन की पावर 2, उसको भी एक कम किया तो 1 बनेगा, फिर इसके आगे दो दो कम कर नहीं सकते, 1 पे ही रुक जाएंगे। तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका राजे, ठीक, ये आ रहा है 6 4 = 24, 24 = 2, 48, 42 = 2, 96। ये नोट कर ले जल्दी से सभी। ओके,
भाई फोर्थ एग्जाम्पल है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन वेयर ए इज अ डोमेन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 2a एंड द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक, तो ये राजा जो आपको रीजन कहा गया है जो इन सभी से बाउंडेड है एक्स एक्सिस से एक्स इज इक्वल टू 2a से एंड ये इस पैराबोला की आर्क से। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम देखकर ही समझ आएगा क्वेश्चन, है ना। तो पहले इसके डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ये स्टेटमेंट नोट कर ली सभी ने? ओके, तो सबसे पहले राजे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इट रिप्रेजेंट द अपवर्ड पैराबोला, है ना। एंड एक्स इज इक्वल टू 2a, एक्स इज इक्वल टू 2a, सपोज दिस इज अ 2a ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल 2a इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, दिस इज अ एक्स इज इक्वल टू 2a एंड थर्ड आपको क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस दिया गया है। तो इन तीनों के बीच राज्य कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये बाउंडेड रीजन आ रहा है। तो इस वाले केस में भाई हम एक्स को आर कोस थीटा वाई को आर साइन थीटा तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्कल में ही यूज करेंगे। ठीक, तो ये इस वाले रीजन में आपने क्या करना है, आपने इधर यू मेक हॉरिजेंटल लाइन और सॉरी हॉरिजेंटल स्ट्रिप, इधर यू मेक हॉरिजेंटल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप इन द शेडेड रीजन। ठीक है, या तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप बना देना या वर्टिकल बना देना। ठीक है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप से करता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप से करूंगा। तो ठीक है, ये आपने इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बना देनी, छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप बना देनी। ठीक, फिर आप ये सोचो राजे, सबसे पहले राजे आपने क्या किया, आप लिख दो भी इन शेडेड रीजन में का कौन सी स्ट्रिप बनाई हमने, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई। ओके, नेक्स्ट, अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, ठीक है, तो वाई की लिमिट्स पहले, ठीक है, ये हिंट आप लिख लो, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है। ठीक, वर्टिकल स्ट्रिप वाले केस में वाई की लिमिट्स पहले निकालनी है और एक्स की लिमिट्स, ठीक है, बाद में दूसरे नंबर पर। ठीक, तो ये देखो राजे, अब आपका ध्यान उस ब्लैक स्ट्रिप पर होना चाहिए जो मैंने बनाई है। इस ब्लैक स्ट्रिप को ध्यान से देखो, ये शुरू कहां से हो रही है, ये ब्लैक स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है भाई, जल्दी से बताएं सभी, एक्स एक्सिस से। ये ब्लैक स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ऑन द एक्स एक्सिस,
जीरो है ना। तो भाई इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू तो जीरो है, ठीक। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप चलते चलते खत्म कहां पर हो रही है? पैराबोला पर। तो पैराबोला के ऊपर, ठीक है, पैराबोला के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताएं वाई की वैल्यू क्या है। वो पैराबोला की इक्वेशन से निकल जाएगी ना राजे। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला की इक्वेशन से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालू एक्स स्क्वेयर बाय 4a, तो हमें राजे सबसे पहले किसकी लिमिट्स मिल गई? वाई की, ठीक। तो आप लिखना भाई फ्रॉम शेडेड रीजन लिमिट्स आर, ठीक। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो पहले किसकी लिमिट्स? वाई की। फिर किसकी लिमिट्स? एक्स की, है ना। तो वाई की तो मिल गई, वाई की तो है जीरो से एक्स स्क्वेयर बाय 4। गेटिंग इट? ठीक, ओके। तो इस, अब राजे एक्स की लिमिट्स निकालने के लिए इस स्ट्रिप को पूरे रीजन में घुमा देना, हमने पूरे शेडेड रीजन में घुमा देना, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस पूरी स्ट्रिप को शेडेड रीजन में अगर मैं मूव कराऊं, घुमा दूं, तो मेरे को ये बता दो, ठीक है, जितना लेफ्ट हैंड साइड तक जा सकती है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस की लोअर लिमिट, एक्स की लोअर लिमिट आ जाएगी। जितना राइट हैंड साइड तक मैक्सिमम जा सकती है वो एक्स की मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी। अब ये बताओ राजा, ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, अगर मैं इसे पूरे शेडेड रीजन में घुमाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड तक कहां तक जा सकती है? जीरो तक, है ना। तो एक्स की लोअर लिमिट आ गई जीरो। और अगर मैं इसे राइट हैंड साइड तक लेके जाऊं तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? एक्स इज इक्वल टू 2a, है ना। वेरी गुड, ये इस लाइन तक जा सकती है, ठीक। इस लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2a। तो ये याद रखें, वर्टिकल स्ट्रिप पहले वाई की लिमिट्स फिर एक्स की लिमिट्स, और वर्टिकल स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है, ठीक, वो ध्यान से देखें, वहां से आपको वाई की लिमिट्स मिल जाएंगी, और खत्म कहां से हो रही है? वाई की अपर लिमिट मिल जाएगी। एक्स की लिमिट्स निकालने के लिए उस पूरी स्ट्रिप को आपने शेडेड रीजन में घुमा देना है ना। घुमाते हुए आपने सोचना है भी मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कहां तक लेके जा सकता हूं या जा सकती हूं। तो आपका दिमाग कहेगा भाई इस वाली डायग्राम में तो जीरो पर लेके जा सकते हैं, और राइट हैंड साइड मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं? वो ये जो वर्टिकल लाइन है एक्स इज इक्वल टू 2a, यहां तक लेके जा सकते हैं। तो ये इस लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2a। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू, वी गेट द लिमिट्स ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजली। ये नोट कर लिया सभी ने? तो थर्ड स्टेप क्या है भाई? अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में ना मैंने एक्स को कुछ पुट किया, ना मैंने वाई को कुछ पुट किया, सो मेरा डीएक्स डीवाई एज इट इज रहेगा, उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले राजे वाई की लिमिट्स, पहले वाई की लिमिट्स क्या है भाई? जीरो से एक्स स्क्वेयर बाय 4a, और x की लिमिट्स क्या है भाई? 0 से 2a। ओके, तो y अंदर रख लो भाई, x को बाहर निकाल दो, क्योंकि y के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, x को इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो x को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक। y की इंटीग्रेशन कर दे फटाफट, y स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वेयर बाय 2, ठीक। एंड ये रजे आप देखो क्या आ रहा है भाई, वाई पहले ये फिल करोगे, एक्स स्क्वेयर बाय 4 है, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स की पावर 4 अपॉन 16 ए स्क्वेयर,
जीरो पुट करोगे तो जीरो ही बन जाएगी। ओके, तो ये 1/32a² बाहर एक्स की पावर 5 बन रही है ना। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 6/6, ये लिमिट्स फिल करेंगे। ठीक, तो नीचे तो आ रहा है 32 × 6 क्या होता है भाई, 192। ठीक, ए स्क्वायर एंड एक्स की पावर 6 वाली में हम 2a फिल करेंगे, 2^6 क्या होता है भाई, 64, साथ में ए की पावर। तो ये तो भाई कैंसिल हो रहे हैं 3 पर, है ना, 64 × 3 = 192। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, ए स्क्वायर और ए की पावर 6 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो कुल मिला के ये आंसर आ रहा है a^4/3। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से सभी। कर लिया? ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5, एवेल्युएट क्या है भाई यहां पर, एक्स डीएक्स डीवाई, वेयर ए इज द रीजन, बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay। दो पैराबोला दे दिए, वन ऑफ द पैराबोला इज अपवर्ड एंड अनदर इज राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, एक अपवर्ड पैराबोला दिया है, एक राइट हैंडेड पैराबोला दिया है। तो मैं एक डायग्राम बना दूं फटाफट इनसे। ओके, तो ये आ रहा है राजे अपवर्ड पैराबोला, ठीक, और ये है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो अब इन्होंने ये नहीं कंडीशन लगाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है या सेकंड में जाओ या किसी में भी जाओ, इन्होंने कह दिया भी इन दो पैराबोलास के इन बिटवीन जो रीजन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक, तो कौन सा भाई आ रहा है शेडेड रीजन, ये वाला आ जाएगा दोनों पैराबोलास के बीच, ये कॉकरोच शेप का है ना। ठीक है, ये कॉकरोच की मूछें हैं दो आगे आगे। तो इस कॉकरोच डायग्राम के लिए राजे हमें दो पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ये पॉइंट तो पता ही है, 0 0, ठीक, या सिंपली इसे 0 लिख लें। ओके, और ये वाला पॉइंट राजे, ये वाला पॉइंट भी पता होना जरूरी है, ठीक है, जहां से ये मूछें निकल रही हैं कॉकरोच की, ये पॉइंट भी पता होना जरूरी। तो ठीक है, ये चेक करो राजे, 0.4a, 4a आ रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, क्या ये 4a, 4a इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहां पर मैं y की जगह पर 4a फिल करूं 16a², यहां पे x की जगह पर 4a फिल करूं, आ रहे हैं इक्वल, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में फिल करें, 4x की जगह पर 4a 16a², राइट हैंड साइड वाई की जगह पर 4a फिल करे, ये भी इक्वल आ गए। तो भाई ये तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने सही बना दिया है ना, ये पॉइंट इसी जगह पर आएगा 4a, 4a। सो अब काम थोड़ा इजी हो जाएगा, अब क्वेश्चन देखते हैं राजे। ठीक है, ये नोट कर ली स्टेटमेंट सभी ने, डायग्राम बना ली। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, ठीक है,
भाई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, हो सकता है इस साल आ जाए, रिपीट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्या है भाई, सबसे पहले तो हमें लिमिट्स चाहिए, वी वांट लिमिट्स। ओके, ये पॉइंट हमें पता है 4A, 4A, ठीक। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी मेक वर्टिकल स्ट्रिप इन शेडेड रीजन। तो भी अगर पहले आपने वर्टिकल स्ट्रिप का सोच ही लिया है बनाने का, ठीक है, ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप बना दी, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये देखो अब शुरू कहाँ से हो रही है। अच्छा, मैं पैराबोलास के नाम लिख दूं, ये वाला कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और ये वाला कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। तो ये बता दो भी, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये कहाँ से शुरू हो रही है, अपवर्ड पैराबोला से कि राइट हैंडेड पैराबोला। अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला पर, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन ध्यान से देखो और मेरे को ये बता दो इस पर वाई की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। हाँ जी, अपवर्ड पैराबोला, हाँ जी, वेरी गुड। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन से अगर हम वाई की वैल्यू निकाले तो वो आ रही है एक्स स्क्वायर बाय 4a। ओके, तो अगर ये स्ट्रिप को ध्यान से देखो, ये खत्म कहाँ पर हो रही है, राइट हैंडेड पैराबोला पर, है ना, ये राइट हैंडेड पैराबोला पर खत्म हो रही है, और इस पर, इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 4ax का राजे स्क्वायर रूट, है ना। पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लेंगे, देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तो भाई यहां से वाई की दो वैल्यूज आएंगे, है ना, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे वाई की। ओके, तो मैं इसे थोड़ा साफ करके लिख दूं भाई, ये है रूट ऑफ 4ax, ठीक। तो हमें वाई की लिमिट्स मिल गई, ठीक है, क्योंकि हमने वो किया था ना भाई, हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई थी, तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो भाई पहले किसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, वाई की, वाई लिमिट्स पहले पता करनी है, एक्स की बाद में, ठीक। तो वाई की लिमिट्स क्या आ रही है, लिमिट्स ऑफ रीजन आर, वाई की रजे लिमिट्स आ रही है एक्स स्क्वेयर बाय 4a से रूट ऑफ 4ax। अच्छा, अब आप बता दो भी एक्स की लिमिट्स निकालनी है ना, तो आप ये बता दो भी इस स्ट्रिप को अगर मैंने घुमाना है पूरे शेडेड रीजन में, घुमाते घुमाते मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शेडेड रीजन के अंदर कहां तक लेके जा सकता हूँ, जीरो, है ना। तो एक्स की लेफ्ट लोअर लिमिट क्या आ गई, जीरो, और इसी स्ट्रिप को मैं, है ना, शेड्यूल रीजन में 4a तक लेके जा सकता हूँ, तो भाई एक्स की लिमिट्स भी आ गई, ठीक। नाउ वी कैन इजिली इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ दीज लिमिट्स। ओके, तो ये नोट कर लिया था सभी ने। तो स्टेप नंबर 3 क्या है भाई, हमने इंटीग्रेशन पता करनी थी, ठीक है, ओवर रीजन ए, तो है ना, अगर पहले वाई के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स तो बाहर ही चला जाएगा, अंदर तो 1 ही बचेगा। ओके, और वाई की लिमिट्स मैं देखूं क्या थी, एक्स स्क्वेयर बाय 4a से रूट ऑफ 4ax,
एंड एक्स की लिमिट्स क्या आई थी भाई? एक्स की लिमिट्स आई थी 0 से 4 a। ओके, तो यहां पर आज 1 की इंटीग्रेशन करोगे वाई, फिर लिमिट्स फिल करेंगे, तो ये आ रहा है रूट ऑफ 4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a। ठीक, तो अब यहां तक नोट कर ले पहले सभी, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है भाई, देखो 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2, a का स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट, x की पावर 1/2, और ये बाहर भी तो 1 है, तो दोनों मिलकर x की पावर 3/2। ओके, माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगी राजे, एक्स क्यूब बाय 4a। ओके, तो ठीक है, ये लिख ले, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। भाई यहां पर देखो राजे, यहां पर क्या है, यहां पर है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, a का स्क्वायर रूट, उसको a स्क्वायर रूट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर है x की पावर, देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये बाहर भी तो पावर 1 है, दोनों मिलके 3/2 बनेंगे कि नहीं। ठीक है, और यही एक्स जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये कितनी पावर आ रही थी भाई, 0 से 4a लिमिट्स थी हमारी। ठीक है, तो पहली टर्म आ रही है भाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए सॉरी एक्स एक्स रेस टू पावर 3/2, माइनस सेकेंड टर्म आ रही थी एक्स क्यूब बाय 4a। ठीक, तो यहां पर आ रहा है भाई, पहले वाले की इंटीग्रेशन करोगे पावर 5/2 एक्स की, नीचे 5/2 डिवाइड करेंगे। अच्छा, सेकंड वाले केस में राजे, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये राजे कांस्टेंट आ रहा है, 4/5 बन जाएगा। एक्स की पावर 3 है, हाँ, 3 है, पर इंटीग्रेशन करोगे राजे, इंटीग्रेशन भी तो करनी है, 4/4 हो जाएगा ना। ओके, तो पहले यहां पर राजे हम फिल करेंगे 4a। ठीक, फिर 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, उसमें 1/16 है आ रहा है, एंड 4a की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। यहां तक नोट कर ले जल्दी। कर लिया? ओके, इसे मैं ध्यान से देखूं तो क्या है भाई, 4/5 रूट ए, ठीक है, ब्रैकेट में है 4a है ना, उसकी पावर 5/2, तो 4 को लिख लो 2 स्क्वेयर, उसकी पावर 5/2 करोगे। ठीक, a की पावर 5/2, एंड और क्या था भाई, -1/16 a, 4 की पावर 4 क्या होगा भाई, है ना, 16 और 256 हो जाएगा। ठीक, a की पावर 4। अब ये देखो राजे फटाफट,
ए की पावर 1/2 और ए की पावर 5/2 क्या बन जाएगा? ए की कितनी पावर आ जाएगी? 6/2। ठीक है, ए की पावर कितनी आ जाएगी? ये 6/2। एंड ये कितना आ जाएगा? 2^5। तो बस इसे फटाफट सम अप करते राजे, 16 के टेबल पर 256 राजे किस किस पर आएगा भाई? है ना, ये कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये कैंसिल करना है। कोई नहीं, जरूरी नहीं आपको 16 का टेबल पता हो, 4 के टेबल पे थोड़ा सा कट कर दो। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ठीक है, 16 का स्क्वेयर याद हो तो 16 का स्क्वेयर 256। नहीं है तो 4 के टेबल पे कट कर दो, कोई चक्कर नहीं। ये आ रहा है ए की पावर 4/16। ओके, एंड नेक्स्ट वाले में भाई, नेक्स्ट सॉरी फर्स्ट वाले में क्या है? ए की पावर कितनी आ रही है? 3। और कुछ कैंसिल हो रहा है? अच्छा, 4/5 ही था ना। ओके, 4/5। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है? आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक है, ये आप चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्योंकि इसको चेक करना राजे, आंसर तो इसका आ रहा है 48/5 a³। ठीक है, 48/5 a³ आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक होगी ना राजे। है ना, ये देखो राजे, यहाँ पर था x² / 4a, मैं गलती से यहाँ पर लिख बैठा x³। है ना, ये एक ये मिस्टेक है, यहाँ पर x² आएगा। ओके, हियर x² आएगा। ठीक है, ये सही कर ले, स्टेप नंबर 3 में आपको दिख रहा है ना ये वाला। अच्छा नहीं, पर x मल्टीप्लाई किया था ना, ये तो सही है, x³ ही आएगा। एक मिनट। अच्छा, वाई की लिमिट सही लिखी है, x² / 4a। ओके, तो सही है ना। और वाई की, सही है। ओके, ठीक चलो, ये देखना राजे, आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ओके, इसका आंसर आ रहा है 48/5 a³। हो सकता है बुक का भी आंसर गलत हो, तो वो चेक करना पड़ेगा। ठीक, ये नोट कर लिया आपने? ओके, ठीक है राजे, इतना काफी आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, मैं ये को रिमूव कर दूं, ये वाली स्क्रीन। ओके, चलो ठीक है राजे, आज के लिए इतना ही काफी था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।